पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल इंदौर डीआईजी कार्यालय पहुंचा, जहां सीएम के पुतला दहन मामले में मंगलवार को खुद पर प्रकरण दर्ज होने के बाद भाजपा के लोगों पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान कहा कि इंदौर पुलिस द्वारा की जा रही पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के विरोध में और भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करना है तो इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल डीआईजी मनीष कपूरिया से मंगलवार को मिला। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक 24 मई को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इंदौर में कई स्थानों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन घोषणा करके किया गया, उनमें से किसी पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस द्वारा जवाबी प्रतिक्रिया में युवा कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया, जो तो कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। इस विषय में मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने डीआईजी मनीष कपूरिया जी से मुलाकात कर भाजपा नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने की मांग की। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज हमने ज्ञापन, हम पे कल मुकदमा लगाया इंदौर की पुलिस ने, हम दया याचिका दया की भीख मांगने नहीं, हमें और मुकदमे लगा दो। हम ये नहीं बोल रहे हैं जो आते हैं ना डेलीगेशन के, मुकदमा हटा लीजिए हम पे से, हम उसके लिए नहीं। हमने 28 मंडलों में कमलनाथ जी के पुतले जलाए गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, हम पे और मुकदमा लादना लाद दो, लेकिन संविधान की धाराएं प्रधानमंत्री के लिए भी वही और सज्जन वर्मा के लिए भी वही है जिस धारा पे हम पे मुकदमा दर्ज किया। 28 मंडलों के भाजपा के कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यदि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो राजनीति क्या होती है, समाज सेवा क्या होती है और कैसे निपटना है सड़कों पे, वो हमको आता हो करके दिखाए। नहीं, देखिए हम तो जनता लोग टप टप करके कोरोना जैसे संक्रमण से मर रहे हैं, उन आंकड़ों को मुख्यमंत्री क्यों छुपा रहा है, शिवराज चौहान क्यों छुपा रहे हो? आज तो एक रिपोर्ट आई है जहाँ जिस विधानसभा से वो विधायक है उनका गाँव है जेत बुद्धि विधानसभा के, तमाम सारे गांवों की रिपोर्ट आई है। मतलब ये हालत है कि उनके गांव में एक बार वैक्सीन लग गया, दूसरी बार वैक्सीन लगवाने लोग नहीं जा रहे। अरे किस तरह के मुख्यमंत्री हो भाई, तुम्हारे गांव में ही नहीं समझा पा रहे हो तो तुम्हारी बात मध्य प्रदेश में क्या कोई मानेगा, क्या अधिकारी मानेंगे? ये शासन प्रशासन ठीक थोड़ी चल रहा, स्वास्थ्य विभाग लापरवाह, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन लापरवाह। देखिए वही कैलाश की बात आ गई, कैलाश बोल रहा था कि चाइना से आया, अरे सुप्रीम कोर्ट में खुद तुम्हारी सरकार एडमिट कर रही है कि इंडियन वेरिएंट है ये तो आ गए, शपथ पत्र आ गए सबके पास आ गए। उसी बात पे विवेक तनखा जी ने कहा कि इंडियन वेरिएंट, देखो हमारा देश बदनाम हो रहा है, सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका, यहाँ आप हमारे इंडियंस को पास में बैठाना पसंद नहीं कर रहे। यदि हमारा ड्राइवर है भारत का तो उसकी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं कर रहे, आप कहाँ गए मोदी जी? अरे वो जाते थे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, मोदी मोदी कहाँ है? अब जाके विश्व के पटल पे मोदी जी को खड़ा होना चाहिए कि हमारे इंडिया को इंडियन वेरिएंट के नाम से बदनाम किया जा रहा है, लेकिन अभी आवाज़ नहीं निकलेगी। राजनीति का मौका आएगा तो मोदी जी 5000 लोग की फौज पहले ही भेज देंगे मोदी मोदी करने की। यार देखिए सब दे चुके हैं, जो मेरे को करना है जो मैंने करा वो करके दिखाया, जो मैंने जो नोटंकी करी मैंने, आप बोलते थे नोटंकी कर रहा हूँ मैं, परंतु दो महीने हो गए कोरोना महामारी के अंदर, अभी भी तुम रेसिडेंसी में बैठ के चाय तोड़ रहे हो, हमने लाखों करोड़ रुपए हमने घर से खर्चा करा है, अभी तक जहाँ भी जो हो रहा है आपने जो भी कर रहे हो ये सरकार का पैसा है, हम तो हमारे घर से कर रहे हैं, हमारा समाज सेवा करते हैं, भले धर्म हो की राजनीति हो या कोई सा भी कार्यक्रम हो, हम उसके लिए दुख सुख के लिए अंदर, मेरी विधानसभा किसी की शादी हो या कोई मरण ग्रहण हो, मैं सब में करता हूँ। ये छोटी छोटी बातें सिर्फ एक माहौल बना जाते हैं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, करने के लिए कुछ नहीं है, ये तो लगातार सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। पब्लिक समझ गई, आम जनता समझ गई, हमारे जो युवा साथी है वो लगा समझ गया, उसने सोशल मीडिया पर इतना माध्यम से लगातार इन पर वार कर रहे हैं, भले मोदी हो या मुख्यमंत्री जी हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी को उनको जॉब नहीं दे पा रहा। हमारे युवा साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि वो लगातार जो गलत हो रहा है गलत के साथ में पहली बार, क्यों उनका बस नहीं चले, नहीं तो जितने हमारे युवा साथी हैं उनको भी जेल में बंद करा देंगे वो।
सकता है, क्योंकि इंदौर शहर के अंदर हजारों आदमी मरा है, वो इन्होंने बताया कि इतने आदमी मरा, क्यों हर आदमी जो जेल के जो अस्पताल में जो मरा है वो कोरोना बाजू उड़ के हो के गया, उसका चेस्ट का स्टेरिंग हुआ है, वो ब्लड गया हुआ है, उसके बाजू वहाँ भर्ती हुआ, परंतु जब वो वहाँ से बाहर निकला है, जब मृत्यु हो गई है, तो उसको बोला हार्ट अटैक से हो गई है। मैं तो आम जनता से निवेदन करूँगा, आप लोग सब मेरे साथ आए, जिन परिवार के लोगों के हार्ट अटैक का इन्हें दिया है, तो हम लगातार विरोध करेंगे, काम करेंगे। और मेरी जहाँ तक विधानसभा की बात है, जो भी गरीब परिवार का मरा, उसके 2 या 5 हज़ार के पूरे जितने मरे हैं, उन सबकी व्यवस्था मैं करने तैयार हूँ। आप करके दिखाएं, आप में दम हो, और आपकी विधानसभा में कोई ऐसे कोरोना पॉजिटिव जो हज़ारों मरे उनको करके दिखाएं। आप लोग तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव उनको दिलाएंगे, आप खुद जानते हैं कि आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी गली के अंदर, आपके रिश्तेदार दोस्त समाज जो हमारे मीडिया साथी खड़े हुए, उनके परिवार के अंदर कितने लोग एक्सपायर हो गए, और कई लोग उनके रिश्तेदार एक्सपायर हो गए, मोहल्ले एक्सपायर हो गए। तो आपको भी बोलना चाहिए, जो सरकार बोल रही है झूठ बोल रही है। कोरोना महामारी के अंदर जितने लोग मरे इंदौर के अंदर, उसमें 80% कोरोना से मरे, या आम जनता जानती है, झूठ बोल रहे हैं। और जो मेरे फेल बन लेंगे वो सब इकट्ठा होंगे, मेरी विधानसभा को दिलाऊंगा इंदौर शहर में। आप लोग आइए, नहीं तो कोर्ट में जाके हम केस दिखाएंगे, वो साइड भी दिखाएंगे कि हमारे पास ये स्किन टेस्ट भी है, आप कोरोना पॉजिटिव भी है, परंतु अस्पताल में इन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में होंगे, उनको अटैक की बीमारी दिखाइए, परंतु हम कह रहे हैं कोरोना से मरा हुआ है। नहीं देखिए, ये जो कैलाश जैसे लोग हैं ना, ये बात का जो बतंगड़ा बनाते, बात वो है, कमलनाथ जी ने कहा था, उमंग सिंगार का जब मामला हुआ, कमलनाथ जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास ओरिजिनल पेन ड्राइव थी हनी ट्रैप की, मैंने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की कि मेरा प्रदेश हनी ट्रैप जैसे कांड के लिए पहचाना जाए। मैं चाहता था उस समय तमाम सारे चेहरे काले हो जाते, लेकिन मैं अपने प्रदेश की गरिमा को बचाना चाहता था। एक उदाहरण उन्होंने दिया, कोई जिन बिन बाहर नहीं निकला। अरे बड़ा विचित्र नेता कैलाश विजयवर्गीय। अरे भारत के बच्चे बच्चे को नहीं, विश्व के बच्चे बच्चे को पता है कि कोरोना कहाँ से आया, चाइना से आया। ये तो कोई नई बात नहीं, कोई नया रहस्य खोल रहा होगा कल जो हर बच्चे बच्चे को पता है कि चाइना से ये कोरोना आया है, जिसके अब विश्व में अलग अलग वेरिएंट ही बोलेंगे इनको, फैल रहे हैं। अब ये ब्लैक फंगस क्या है ना, येलो फंगस आ गया, व्हाइट फंगस आ गया, तो ये अलग अलग वेरिएंट है। तो बच्चे जैसी बात कर दी कैलाश ने, क्योंकि चाइना से आया एवरीबॉडी नो, विश्व का हर आदमी जानता है। अब वो चाहता क्या बोलना, मैं नहीं समझ पा। प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का ये। ओहो, प्रधानमंत्री की छवि, गूंगा आदमी जो मनमोहन सिंह पे टिप्पणी करता था कि गूंगा है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। अरे तुम खुद नरेंद्र मोदी गूंगे हो, कैलाश भाई सुन ले, तेरा प्रधानमंत्री गूंगा है, इसलिए कि इतने लोग मर गए, लाखों लोग, एक शब्द कोरोना के ऊपर नहीं निकला। बट डिसिप्लिन रखिए, आप मास्क लगाइए और दूरी रखिए। अबे ये तो बच्चे बच्चे जानते, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, हैं गंगा में हजारों लाशें तैरती, उन्हें भी माँ गंगा ने बुलाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार इसी की पुलिस वालों को भी गुलाम बनाना चाह रही है। कल भारतीय जनता पार्टी लोगों ने परसों ही घोषणा कर दी, आदरणीय कमलनाथ जी का पुतला जलाएंगे, और एक जगह भी पुलिस वाले कहीं नहीं मिले। उन्हें हर पुलिस वाले को डरा दिया था, आईजी डीआईजी को, कि हमारा कार्यकर्ता गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, और गिरफ्तार किया तो ठीक नहीं होगा। तो बेचारे पुलिस वालों को डरा रहे हैं, तो आम जनता कहाँ से छोड़ी जाएगी? आम जनता कोरोना से मर रही है, और पुलिस वाले इन धमकाने से मर रहे हैं, अधिकारी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ लोग लड़ाना काम कर रहे हैं, कांग्रेस में मुकदमा लगाना कर रहे हैं, एक नहीं हम पर 10 मुकदमे लगाते हैं, फांसी लगाते, परंतु हमारा कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। आपने कल एक मुकदमा लगाया, हम पर 10 मुकदमे लगाए, हम उसके लिए तैयार है, परंतु जो गलत हो रहा है उसके लिए हम करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो कल कमलनाथ जी 7 वर्षों करा वो गलत हुआ, तो उसके लिए हमने क्या बन दिया। परंतु उन्होंने कमलनाथ जी का पुतला जलाया, उसके 2 घंटे बाद हम सब लोगों ने मिलकर पुतला जलाया, तो हम पे केस होता है। उनमें जो 28 मंडल है उन पर एक भी मुकदमा नहीं होता, बंगाली चौराहे पर 100 लोग इकट्ठे जाते हैं। तो जो पुलिस को गुलाम बना रखा है, इस गुलामी के लिए पीछे हम आए, ताकि आप गुलाम ना बने, और जो आपको संविधान में दिखाया गया आपको सबको एक समान कार्रवाई होना चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो रही है। कल की घटना देखिए, मेरी विधानसभा के अंदर वार्ड, इनका वार्ड का उपाध्यक्ष और एसएस कमेटी का मेंबर, जिसने परसों एक गरीब परिवार के 70 साल के बुढ़े को, मंदिर के अंदर था, उसको डराया धमकाया, वो बेचारा अस्पताल में जाकर भर्ती हुआ और वो मर गया। उसके बाद पूरा साहू समाज ने कल
धरना दिया, उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उन्हें पुलिस वालों को सबको चमका दिया कि इस पर कार्रवाई हुई तो वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो बेचारे पुलिस वाले डरने लग गए। अब तो ये लग रहा है कि प्रदेश के अंदर पुलिस है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। मैं तो उनसे बोलूँगा कि जिनके नेता विधायक हैं वहीं आए, एस पी ऑफिस में बैठ जाए, डी आई जी ऑफिस में बैठ जाए, कलेक्टर में जाके बैठ जाए और वो काम करे। पुलिस डिपार्टमेंट जितना डिपार्टमेंट ये आम जनता के लिए बने, आपने इन लोगों को गुलाम बना चुका है और आपको जो करना करिए जनता 23 में आपको जवाब देगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।